सेल्फ एडवोकेट्स फोरम ऑफ इंडिया साफी का 2 दिवसीय 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन शहर में पहली बार संपन्न हुआ, जिसका विधिवत शुभारंभ केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने किया। इसमें देश के 20 राज्यों के 200 से अधिक प्रतिनिधि, बच्चे, प्रशिक्षक और अभिभावक भी शामिल हुए। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रबोध सेठ, CBS उमेश बोराई, बौद्धिक दिव्यांगों के अभिभावकों की राष्ट्रीय संस्था परिवार NCPO के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर SN बिजूर भी बतौर अतिथि के रूप में शामिल हुए। कि वे उन्हें मंच पर लेकर आए, सम्मानी मंत्री जी को आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, आप मंच पर पधारें। ओम सर्वे सा सुखि भवतु सर्वे सदा भवन्तु ओम शांति ओम भूर्भुवस्सः पिता महादेव जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव जीवन जाए मन मन भूले हो ना, हम चलेंगे रास्ते में भव रे। थैंक यू, थैंक यू। श्री उमेश बोराई साहब के स्वागत के साथ हमारे बीच अतिथि के रूप में NCPO के उपाध्यक्ष श्री साफी के इस 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में मैं स्नेह और लायंस परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि नागदा जैसे छोटे से शहर में आज हिंदुस्तान के 20 राज्यों के वो सेल्फ एडवोकेट्स यहां मौजूद हैं जो अपनी बात को खुद कह पाने में सक्षम बने हैं। निश्चित रूप से अगर हम दिव्यांगता की बात करें तो दिव्यांगता में जितने प्रकार की दिव्यांगता हैं, वे सारे दिव्यांग अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाते हैं, एक्सेप्ट हमारे बौद्धिक दिव्यांग के। हमारे बौद्धिक दिव्यांग इतने सरल सहज होते हैं कि ये भी नहीं जानते कि इनके अधिकार क्या हैं और उन अधिकारों के लिए इन्हें लड़ना कैसे, और यही कारण था साफी को शुरुआत करने का, सेल्फ एडवोकेट फोरम ऑफ इंडिया को शुरुआत करने का। और मुझे खुशी है कि जब ये 5वां अधिवेशन आज नागदा में हो रहा है तब साफी इस हिंदुस्तान की
बौद्धिक दिव्यांगों की एकमात्र पंजीकृत संगठन है जिसकी 25 से ज्यादा राज्यों में शाखा है। जिस प्रकार से हमारे मेंटर्स इन सेल्फ एडवोकेट्स को ट्रेनिंग देकर तैयार कर रहे हैं कि अपनी डे टू डे लाइफ में किस प्रकार की चीजें उन्हें करना चाहिए, अपने कार्य को कैसे संपादित करना चाहिए, ये सारी चीजें उन्हें यहाँ पर इस साफी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिखाई जाती है। हम सब के लिए ये गौरव का विषय है कि ये राष्ट्रीय अधिवेशन का होस्ट करने का हमें मौका मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टू डेज में आज पूरा टेक्निकल सेशन होगा, शाम को हमारे बच्चे कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ प्रस्तुत करेंगे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कल साफी के लिए इलेक्शन होने वाला है जिसमें सामान्य रूप से जिस प्रकार से इलेक्शन होता है इनका अध्यक्ष और वो सब चुना जाएगा, पर बस ये है कि ये सारे लोग जाने और कल इनको हम सभी लोगों को उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर और श्री अटल अनुभूति दिव्यांग पार्क की विजिट भी कराएंगे। इन दो दिनों में बहुत सारी चीजें होने वाली है। मैं आशा करता हूँ जिस उद्देश्य के साथ ये आयोजन स्नेह को परिवार ने दिया है, हम उस उद्देश्य को पूरा करने में अगले दो दिनों में सफल होंगे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जय हिंद जय भारत। को सुनने की मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। मुझे ये अवसर दिया गया है, बीजू सर जो प्रेसिडेंट है परिवार के वो आ नहीं पाए किसी कारणवश, इसलिए मुझे ये काम उन्होंने सौंपा है। सबसे पहले मैं तो स्नेह नागदा का अभिनंदन करना चाहूँगा, उन्हें स्नेह नागदा को नेशनल अवार्ड जारी क्लियर हुआ है कल ही। और इसका श्रेय पंकज जी को और हमारे सेंट एडवोकेट और उनकी पूरी टीम को जाता है। और एक अवार्ड जाहिर हुआ है म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ उज्जैन को, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, तो बेस्ट इसके लिए आउटस्टैंडिंग वर्क इन क्रिएशन ऑफ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, इसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। परिवार के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि परिवार में करीब 300 पालक संस्थाएं जुड़ी हुई है और ये सारे इंडिया से जुड़ी हुई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारा फैला हुआ है, हमारा परिवार फैला हुआ है। और परिवार ऑटिज्म, सीपी, इंटेलिजेंशियल डिसेबिलिटी जिसे बौद्धिक दिव्यांग कहते हैं, और मल्टीपल डिसेबिलिटी जिसे बहुविकलांग कहते हैं, इनके लिए काम करते हैं। के बारे में पंकज कुमार पंकज जी ने बता ही दिया है कि आज तक तो हम पेरेंट्स ही बात करते हैं हमारे बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन परिवार ये चाहता है कि जितना जल्दी ये सीखे खुद के बारे में बोलना, उनकी आवश्यकताएं समझना, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी जवाब जिम्मेदारी क्या है, उनकी राइट क्या है, कि जितना जल्दी सीखे और इसके बारे में वो अपने आप बोले कि जितना जल्दी सीखे उतना उनके लिए अच्छा है, हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा है। इसीलिए परिवार की स्थापना करीब प्रोग्राम की स्थापना हुई 2008 में, और 12 साल में हमने सीवीएम की मदद से बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, मेंटर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम और सेल्फ एडवोकेट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम, और आज की तारीख में हमारे सेल्फ एडवोकेट्स फोरम ऑफ इंडिया के करीब 6000 मेंबर्स हैं, सेल्फ एडवोकेट्स फोरम इंडिया के करीब 6000 मेंबर्स हैं और करीब 500 मेंटर्स हैं ये जो इन्हें मेंटर करते हैं, इनको सलाह देते हैं, इनके दोस्त हैं। और मैं एक फिगर इन द कैप ऑफ सेल्फ परिवार हम बोलेंगे कि सेल्फ एडवोकेसी के ऊपर एक किताब छपी है, हैंडबुक फॉर मेंटर्स ऑफ सेल्फ एडवोकेट, जो हमारी दो संस्थाएं हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी,
इन दोनों ने मिलकर एक किताब छापी है और इनका योगदान एक्सेल एडवोकेसी पाठ्यक्रम भी तैयार करने में इनका बड़ा योगदान रहा है और इसमें पाठ्यक्रम तैयार करने में सीरियन का भी बड़ा योगदान रहा है और सीरियन की सपोर्ट से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है मेंटर्स का और सेल एडवोकेसी का। कहना चाहूँगा मंत्री जी से कि हाल ही में एक मांग सामने आई है कि नेशनल ट्रस्ट का नाम चेंज किया जाए, नाम बदला दिया जाए और उसमें डेवलपमेंट डिसेबिलिटी को भी इंक्लूड किया जाए। अगर ये होता है तो हमारे बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए बहुत हानिकारक होगा, तो ये एक्सेप्ट ना करें मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, इस अवसर पर मंत्री जी आए बहुत अपना समय निकाल कर और मैं ये समझता हूँ कि मंत्री जी आए थे इसका मतलब सरकार भी हमारा ध्यान रखती है और आगे भी रखेंगे। और इसीलिए हमें लगता है कि हम सहज तरीके से मंत्री जी तक, क्योंकि हमारे पालक है, हमारे पितृतुल्य पालक आप तक पहुँच सकते हैं और हमारे जो समस्या है वो छुड़ा सकते हैं। है और आसमा मंगवा दो, बेसब्र है मेरी उड़ाने, मेरे पंख नीले करवा दो, मेरे पंख नीले करवा दो। आप सभी लोगों की जोरदार ताली के साथ में आमंत्रित कर रहा हूँ अदिति वर्मा को जो आए और अपनी बात करें। अदिति वर्मा, चार साल से मेरी भूमि में अपना एक कैफे रन कर रही हूँ। मैं कैफे का सारा मैनेजमेंट करती हूँ, स्टॉक का ध्यान रखती हूँ, कस्टमर से ऑर्डर लेना उनसे फीडबैक लेना और सारा काम मांगती हूँ। सब इंडिविजुअल लोगों अपने बारे में बताने का मौका देते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पहले तब तो हमारे पास हमारे बारे में पेरेंट्स ही बताते रहते थे, लेकिन 2008 में से परिवार किसी के मतबा कुछ महसूस किया जाता है। हम इसके लिए परिवार ने सेल्फ एडवोकेट फोरम ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया। जैसे हम साफी ने साफी के नाम से जानना चाहते हैं। आज हम सिर्फ साफी से भी ज़्यादा लोग साफी के साथ जुड़ गए हैं। पिछले 10 साल में परिवार ने हमें बहुत मनोरथ दिया है और जिनके सपोर्ट से हम बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं और अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। हमने साफी की एक अलग पहचान बनाए हैं का सपना देखा था और साफी का आयोजन किया जाने से हमारे यहाँ सपने सच हो गए हैं। मुझे ये कहते हुए प्राप्त हो रहा है कि साफी इस द ओनली लीडरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईडी पर्सन प्रोसेस कंट्री। आप हमें से कहाँ जाने चाहिए हम कि इस हमें कैसे जल गए। हम चाहते हैं कि स्वादी से स्वागत करें जिससे हम अपनी अलग पहचान बनाए सके। हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। एक ब्लाइंड पर्सन को भी प्रेम नहीं कर सकते और उसे पढ़ने के लिए ब्रेल दे जाती है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ हमारे लिए क्या हम भी और के तरह वो देने के लिए राइट होना चाहिए।
लास्ट लेडी में भी हमारे साथ होना चाहिए। अलग हम सब अलग क्यों समझ जाते हैं? क्यों लोग हमें नहीं समझ सकते, जबकि हमें तो उन लोगों के भरोसे बारे में समझ जाते हैं। अरे आज मेरे पेरेंट्स जो भी कैफे से सेविंग होती है उसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने डर है कि उनके बाद जान कौन रखेगा। मेरे एक सपना है कि इस कैफे का इतना बड़ा करे जिसमें मैं अपने फ्रेंड को और फ्रेंड वो भी आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे। वही प्रॉब्लम फाइनेंस का आज हम यहाँ सभी सेल्फ साफी के साथ जुड़ गए हैं, और मुझे विश्वास है कि हम अपने सब भी स्वाटी के जवाब मिल जाए। हम सब मिलकर अपने राइट के लिए आगे गए। क्यों वो ना होंगे ना, आज आओ हम सब मिलकर आगे बढ़े और गवर्नमेंट तक की अपनी प्रॉब्लम को बताएं। आखिर कब तक हमारे पेरेंट्स पर रहेंगे? हमें अपने आप से में अपने बनाने हैं। अपनी कमजोरी को मजबूत करो ताकि हमें अलग न समझें। आप 4 करोड़ है, हम साकार बना सकते हैं, हम साकार बदल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वो सब मिलकर एक समूह के साथ में सरकार बनाने और उसे बदलने की क्षमता रखती है। अदिति के शानदार उद्बोधन के बाद अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। 10-15 साल पहले हमने हिंदुस्तान में गडकरी साहब का नाम लेना जरूरी है कि वो आए थे और हमारी मैडम थी सिमाना बेटी की थी। हमने परिवार का निर्माण किया, कुछ समय बाद साथी का निर्माण किया और आज आप लोग बहुत ही अच्छे स्तर पर पहुंच गए हैं। पूरे हिंदुस्तान में मैं थोड़ा सा एक सेंटेंस सीपीएम के बारे में कह दूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हम मोर देन 10% डिसेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को निखार रहे हैं और उनको बहुत सशक्त बनाया है। इसमें सारी सरकारों का बड़ा योगदान है और बदलते परिवेश में हिंदुस्तान में 2010 के बाद बहुत सी चीज़ें बदली हैं आर्थिक तौर से भी, और सबका फायदा हमने लिया है। आज परिवार के विषय में मैं थोड़ा भावनात्मक हो जाता हूँ, क्योंकि शुरुआती दौर में जब इसकी फंडिंग की बात आई, जो सोच थी और जो हमारा चिंतन था वो ये था कि कैसे हम खासकर बौद्धिक विविधता के बारे में मारू जी ने कहा उसको एड्रेस करें। लेकिन दिक्कत ये है कि सारी चीज़ें शहरी थी, ग्रामीण क्षेत्र तक अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं। पिछले साल हमने कुछ ग्रामीण क्षेत्र में कोशिश की पहुँचाने की, क्योंकि 67% हम वहीं रहते हैं और हिंदुस्तान की तकलीफ ये है कि यहाँ जो अच्छी एनर्जी होता है और यहाँ जो इलीट क्लास का है उसकी बातें भी सुनी जाना जाती हैं। चाहे ये सरकार हो चाहे किसी सरकार हो, वही लोग वही चेहरे नज़र आते हैं और नए चेहरों को मौका नहीं मिलता है। लेकिन मुझे खुशी ये है कि मैं वैसे मैं ज़्यादा कम जाता हूँ, लेकिन मारू जी ने कहा थोड़ा सा आज हमें बंदी है कि मारू जी कहने से कि हिंदी भाषी क्षेत्रों का भी कुछ सुना जाएगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र का। हमारे पास करीबन 3 लाख लोगों का संगठन है जो आर्थिक तौर से सशक्त है, और मैंने गुरुड़े जी से कहा भी है कि हमने बहुत सारे विकलांग लोगों की कॉपरेटिव बनाई है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ, जैसे मैं अभी सुन रहा था कि नागपुर में कोई 2.5 एकड़ ज़मीन में अपना हल्दी उगा रहे हैं, नागपुर में सुन रहा था, उनसे मेरा परिचय नहीं लेकिन सुन रहा था, तो हम हल्दी को खरीद सकते हैं। हमारी ही विकलांगों की प्रोड्यूसर कंपनी मध्य प्रदेश में जो 10 करोड़ रुपये का व्यवसाय करती है, हम खरीद सकते हैं। आप आइए, हम उसको खरीद लेंगे। हिंदुस्तान का कोई भी कोना हम खरीद लेंगे। देखिए,
अदिति जी ने कहा वो इंटरप्रेनर है, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड किसी पर नहीं कर सकते, आपको खुद आगे आना पड़ेगा और व्यवसाय में आना पड़ेगा। और आज की अच्छी स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं व्यवसाय आप कर सकते हैं, नबार्ड हो, MHMDC का कुछ फंड हो, बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, अपने आप को आगे आना पड़ेगा। समय कम है, मंत्री जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और मैं नहीं लूँगा ज़्यादा, लेकिन बहुत खुशी है और मैं ये चाहता हूँ, मेरे एक अपील है चौरचंद जी से कि आप कम से कम एक कमेटी बना के जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, खासकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कैसे खासकर बौद्धिक विकास लोग ग्रामीण क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, इसकी कमेटी बना के एक समीक्षा कराइए, क्योंकि मुझे भी 15 साल हो गए पूरे हिंदुस्तान की खास शांतियों पर विश्व को घूमते हुए, इस पर मैं कहीं भी कोई एक सबल विचार नहीं देख पाता हूँ। अगर आप ये देख पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से साफी परिवार एवं स्नेह को बधाई देता हूं जिन्होंने इस 5th नेशनल कन्वेंशन ऑफ साफी का, सेल्फ एडवोकेट्स फोरम ऑफ इंडिया का 5th नेशनल कन्वेंशन का आयोजन किया है। आज हम धन्य हैं कि हमारे बीच माननीय मंत्री जी डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी हैं जो निरंतर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज और कल दो दिनों में जो हमारा विचार विमर्श होगा वह अत्यंत लाभप्रद होगा। जहां तक सेल्फ एडवोकेसी यानी स्वयं वकालत करने की बात है, इसके 3 मुख्य आयाम हैं। पहली चीज कि हम खुद जाने अपने बारे में, हमें दूसरा हमें अपने अधिकारों एवं अपनी रिक्वायरमेंट्स अपनी नीड्स के बारे में पता हो, और तीसरा कि हम किस प्रकार से अपने राइट्स तथा अपनी नीड्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से हम उसकी प्रतिपूर्ति कर सकें। जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकारों में हमारा राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट बहुत प्रमुख है, 2016 में आया, जिसके जो कि पहले 1995 में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था जिसको उसने रिप्लेस किया। इसकी एक मुख्य विशेषता है कि इसमें 7 दिव्यांगताओं की जो श्रेणियां थी उसको बढ़ाकर 21 दिव्यांगता की श्रेणी की गई और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की कैटेगरीज काफी बढ़ा दी गई। पहले केवल मेंटल रिटार्डेशन की एक श्रेणी हुआ करती थी और अब दिव्यांगजन का जो नया एक्ट आया RPWD एक्ट, इसमें न केवल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज यानी बौद्धिक दिव्यांगता की एक श्रेणी है, अपितु कई अन्य श्रेणियां भी हैं जिसमें ऑटिज्म है, जिसमें प्रमस्तिष्कघात यानी सेरेब्रल पॉलिसी है तथा मल्टीपल डिसेबिलिटीज भी हैं। इन कैटेगरीज का, इन श्रेणियों का अत्यधिक महत्व है क्योंकि अगर ये श्रेणियां हमारे राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में है तो इसके तहत इन दिव्यांगजनों की इन श्रेणियों के बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं तथा बहुत सारी हमारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ भी इस कैटेगरी के दिव्यांगजन उठा सकते हैं। जहां तक हमारी स्कीम्स का सवाल है, हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं और ये सभी जो पर्सन्स हैं डिसेबिलिटीज के, ये इनका लाभ उठाकर इनका फायदा उठा सकते हैं, जिनमें हमारी स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है, उसके अलावा हमारा सुगम्य भारत अभियान यानी एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, इनके माध्यम से हम वातावरण को सुगम्य बना सकते हैं तथा ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि दिव्यांग जन, खासतौर से जो बौद्धिक दिव्यांग हैं, उनका कौशल प्रशिक्षण किया जाए और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनको फिर कोई रोजगार उपलब्ध कराया जाए। आज की तारीख में ये बहुत ही आवश्यक है कि दिव्यांगजनों को अपने सारे अधिकार पता हो, खासतौर से बौद्धिक दिव्यांगजन जिनको ये अधिकार, कई बार ऐसा होता है उनको ये अधिकार पता नहीं होते, कौन कौन सी योजनाएं हैं उसके विषय में उन्हें पता नहीं होता। तो ये जो हमारे सेल्फ एडवोकेट फोरम है, जो सेल्फ एडवोकेट्स हैं वो हमारे इनके ग्रुप्स पे लेकर इन दिव्यांगजनों को उनके अधिकार बताएं
बताएं कि किस तरह से हमारे भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जिससे उनका कल्याण हो सकता है, जिससे कि वो भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट राष्ट्रीय आय में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए ये सेल्फ एडवोकेट्स फोरम ग्रुप्स बनाकर इन चीज़ों को बताएं और जिससे कि अधिक जागरूकता पैदा हो और दिव्यांगजन कदम से कदम बढ़ाएं, कंधे से कंधा मिलाकर बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ें। देश की प्रगति में हम सबका और सारे ही लोग योगदान करें और हमारे समक्ष एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। ख्वाहिशों के समंदर के सब मोती तेरे नसीब हो, ख्वाहिशों के समंदर के सब मोती तेरे नसीब हो, तेरे चाहने वाले हम सफर तेरे हरदम करीब हो, तेरी हर दुआ हर ख्वाहिश कबूल हो। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के कार्यक्रम से मुख्य अतिथि माननीय। मुझे बहुत खुशी है कि सेल्फ एडवोकेट फोरम ऑफ इंडिया के पांचवे अधिवेशन का आयोजन मेरे गृह नगर नागदा में हो रहा है। मैं यहीं का निवासी हूँ, इस नाते भी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का मंत्री होने के नाते आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ और सिर झुका करके आपका अभिवादन करते हूँ। निश्चित रूप से विचार विमर्श, कार्यशाला, परिसंवाद, संगोष्ठियाँ, इस प्रकार के आयोजन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जब हम बहुत कुछ सीखते हैं तो कार्य योजनाएं जो बनती है उसमें मजबूती आती है। दो दिन की ये कार्यशाला या सम्मेलन निश्चित रूप से बौद्धिक दृष्टि से दिव्यांगजनों के बारे में विचार विमर्श करेगी और विचार विमर्श से जो अच्छा निर्णय निकलेगा वो मेरे विभाग की जानकारी में आएगा तो हम इन वर्गों के लिए और भी कुछ करने का प्रयास करेंगे। हालांकि बौद्धिक दिव्यांगता के लिए सिकंदराबाद में हमारा एक राष्ट्रीय संस्थान बना हुआ है और वो राष्ट्रीय संस्थान इनके सुख दुख की, इनके उज्ज्वल भविष्य की कार्य योजनाएँ संचालित करता है और उसके माध्यम से अभी तक हम हजारों लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद अर्थात 2014-15 के साल से हमने दिव्यांगजनों के क्षेत्र में उनको सुख सुविधा देने वाली एक नहीं अनेक ऐतिहासिक योजनाएं बनाई है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि देश की आज़ादी के लगभग 70 वर्ष तक दिव्यांगजनों की शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए कोई विशेष कार्य योजना नहीं थी। हमने 6 प्रकार की स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया और 14-15 से ही उस योजना को प्रारंभ किया। कुछ योजना 15-16 में यह लागू हुई, कुछ 17-18 में। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं, ओवरसीज स्कॉलरशिप भी देते हैं। अगर कोई दिव्यांग बच्चा विदेश जाकर के पढ़ता है तो उसको भी जितना खर्चा आता है वहाँ का, उस यूनिवर्सिटी का और आने जाने का, वो सारा पैसा मेरे विभाग से है। अभी 4 दिन पहले ही हमने एक दिव्यांग वो अनुसूचित जाति वर्ग का है उसको 1,17,00,000 की अनुदान राशि स्वीकृत की। अगर दिव्यांगों में भी इस प्रकार का कोई विदेश जाने वाला है तो हम
धनराशि देते हैं। आपको ये 1,17,00,000 का आंकड़ा सुनकर के अचंभा लग रहा होगा कि इतनी धनराशि भी विदेश जाकर के पढ़ाई करने के लिए देते हैं। हम कई लोगों को 1,00,00,000 तक की धनराशि दे चुके हैं, 1,00,00,000 से अधिक की धनराशि भी दे चुके हैं। ये ओवरसीज स्कॉलरशिप का उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी सुविधा देते हैं। IAS, IPS, IRS, IFS ये जितनी भी पढ़ाई है इसके लिए भी हम पैसा देते हैं। फेलोशिप योजना में भी आर्थिक सहायता देते हैं, फ्री कोचिंग भी देते हैं। और फ्री कोचिंग में जो कोचिंग प्राप्त करता है उसको एक पैसा नहीं लगता है, उसको फ्री कोचिंग दी जाती है और जो संस्था देती है उसको हम ये पैसा देते हैं। अब पहले क्यों नहीं हो सकता था, पहले भी कर सकते थे, किया जा सकता था, परंतु इच्छा शक्ति का सवाल होता है। नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति, नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगों को पहले विकलांग कहा जाता था और विकलांग शब्द कोई सम्मानजनक शब्द नहीं होता था, इसलिए उन्होंने दिव्यांग जन का सुझाव दिया और सारे देश के राज्यों से हमने राय ली और बहुमत ये आया कि दिव्यांग शब्द ज़्यादा सही है, सम्मानजनक है, तो सारे देश में विकलांगों का नाम आजकल दिव्यांग जन है। हम दिव्यांग जन के नाम से ही इनको सम्मान के साथ बुलाते हैं। एक्ट के बारे में प्रबोध सेठ ने बताया, 7 श्रेणियां पहले थी 95 से लेकर के 2016 तक, अब हमने 21 श्रेणियां कर दी। ये बौद्धिक दिव्यांगता को पहले मेंटल रिटार्डेशन की परिभाषा में माना जाता था और हमने इसका अंतर समझा कि मेंटल रिटार्डेशन में तो दूसरा भाव आता है, इसलिए इनको बौद्धिक दिव्यांगता की श्रेणी में रखा है। और जो नया एक्ट बनाया है उस एक्ट में भारत सरकार की सेवाओं में अगर कोई दिव्यांग नौकरी करता है तो 4% आरक्षण का प्रावधान है। सामान्य श्रेणी में अगर किसी का नंबर लगता है योग्यता के आधार पर वो अलग है, परंतु दिव्यांगता की श्रेणी में 4% आरक्षण है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेजों में 5% आरक्षण का प्रावधान किया है। ये ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लिया है। फिर हम सारे देश में इनकी ठीक से पहचान करने के लिए और भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ इनको मिले ऐसी व्यवस्था करने की दृष्टि से इनकी सही पहचान हो जाए, इसलिए यूनिक आईडी कार्ड बना रहे हैं। अभी तक सभी राज्यों में काम प्रारंभ हुआ है और 24 राज्यों ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और अभी तक लगभग 24,00,000 से अधिक यूनिक आईडी कार्ड बना करके दिए हैं। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि यूनिक आईडी कार्ड और पहले वाले आईडी कार्ड में क्या फर्क है। पहले जिला लेवल पर कार्ड बनता था और वो उसी जिले में चलता था और किसी जिले में मान्य नहीं होता था, दूसरे जिले में जाते तो माने या ना माने, परंतु दूसरे प्रांत में तो लागू होने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए हमने ये महसूस किया कि ऐसा कार्ड बनना चाहिए जो सारे देश में चले, देश के किसी भी हिस्से में वो दिव्यांग जाए उस राज्य सरकार की योजना का और भारत सरकार की योजना का लाभ उन दिव्यांगों को मिले, इसलिए ये यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बना करके देने का हमने निर्णय लिया है और अभी तक 24,00,000 लोगों को ये कार्ड दिया है। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, अभी हमने जो सोचा था कि हम 2 साल में ये कार्ड बना करके दे देंगे, 2011 की जनगणना के मान से देश में 2,68,00,000 दिव्यांग थे और वो 7 श्रेणियां थी जब थे, अब हमने 7 की बजाय 21 श्रेणियां कर दी तो निश्चित रूप से ये 3 गुना बढ़ेगा। 2,68,00,000 की बजाय 3 या 9 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है और ये 21 श्रेणियों में स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है, इस कारण से गति धीमी है। परंतु मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके पास पड़ोस में आपके ध्यान में अगर कोई दिव्यांग आता है आप उससे पूछो
कि उसका आईडी कार्ड बना कि नहीं बना है। अगर वो कहता है कि नहीं बना है तो उसका आइडेंटिटी कार्ड बनवाने में आप सहयोग देंगे, मदद करेंगे तो बड़ी कृपा हो, हम तेज गति से ये बना पाए। हमने सारे देश में दिव्यांगों के लिए सुगम्य भारत अभियान प्रारंभ किया। 3 दिसंबर दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस है, उस तारीख से शुरू किया था और लक्ष्य तय किया था कि हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा करेंगे, परंतु उसकी गति भी जैसी चाहिए वैसी नहीं बन पाएंगे क्योंकि उसमें राज्य सरकार का सहयोग जरूरी है। हम और राज्य सरकार मिलकर के कार्य योजना तैयार करते हैं और कार्य योजना पर इम्प्लीमेंट करने का काम राज्य सरकारों का रहता है। भारत सरकार भी उसमें शेयर लगाती है, राज्य सरकार भी कुछ पैसा लगाते हैं और जितने भी बहुमंजिली भवन हैं, बहु उपयोगी भवन हैं, चाहे वे प्राइवेट संस्थानों द्वारा संचालित होते हो या सरकारी या गैर सरकारी या अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा संचालित होते हो, उन सबको सुगम करना, रैंप बनाना, लिफ्ट लगाना, आने जाने के संकेतक लगाना और शौचालय वगैरह भी उसी प्रकार से सुविधाजनक हो, सुगम्य हो, इस प्रकार का प्रयास हमारा चल रहा है। इसके साथ ही साथ रेलवे में, हवाई अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड पर और बसों में ये सुगम्यता का प्रावधान करने का हमारा अभियान चल रहा है। आपके ध्यान में आता है कि अगर किसी बस में वो रैंप नुमा पटिया नहीं लगा है तो आप लिखित में देकर के उनसे आग्रह कर सकते हैं। हमने सारे देश को ये निर्देशित किया है कि बसें भी सुगम्य होना चाहिए, बस स्टैंड भी सुगम्य होना चाहिए, रेलगाड़ी भी सुगम्य होना चाहिए, रेलवे स्टेशन भी सुगम्य होना चाहिए, हवाई अड्डे भी सुगम्य होना चाहिए। हवाई अड्डे तो वैसे प्रायः सभी सुगम्य हो चुके हैं, रैंप बने हुए हैं, लिफ्ट लगा हुआ, परंतु हवाई जहाज में चढ़ते समय अगर कोई व्हील चेयर पर है और सीढ़ियों में वो आने जाने का रास्ता बना हुआ है तो उसको 4 लोग उठा करके चलते हैं और जब उठा करके चलते हैं तो जिसको उठाते हैं उसको भी बहुत बुरा लगता है और जो उठा कर ले जा रहे हैं उसको भी बहुत बुरा लगता है और देखने वाले को भी बुरा लगता है। तो उस प्रकार की सुविधा का प्रयास हमने किया है, जिस प्रकार से इंडिगो एयरलाइंस वालों ने रैंप नुमा सीढ़ियां बना रखी, उसमें उठा के ले जाने की जरूरत नहीं है, व्हील चेयर के माध्यम से सीधा अंदर हवाई जहाज के अंदर तक जाते हैं। इस प्रकार का प्रयास हम कर रहे हैं, सफलता भी मिल रही है। बहुत सारी योजनाएं हमने बना रखी है, उन सब योजनाओं का लाभ लेने की आवश्यकता है। जैसे 5-6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और अगर वो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, तो उनको कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा देने से वो सुनने भी लगते हैं, बोलने भी लगते हैं। अभी तक हमने 2200 से अधिक बच्चों को 6 लाख रुपया प्रति बच्चा अनुदान देकर के ये कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराई है और मुझे खुशी है कि उसमें से 2000 बच्चे सुनने लगे हैं और धारा प्रवाह बोलने भी लगे हैं। पहले उनके माँ बाप चिंता करते थे इन बच्चों का क्या होगा और हमारे बुढ़ापे में कौन संभालेगा हमारे को, परंतु अब वो खुशी के साथ हमको कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, हमको भी देते हैं कि साहब हमारे बच्चों की जिंदगी आपने सुधार दी। इसी प्रकार से जो 80% से ज़्यादा दिव्यांग है, खड़ा ही नहीं हो सकता, चलना तो दूर की बात, उनको हम मोटराइज ट्राईसाइकिल देते हैं। मोटराइज ट्राईसाइकिल इलेक्ट्रिक से चार्ज होने वाली बैटरी से चलती है और 60-65 किलोमीटर चलने के बाद बैटरी रिचार्ज होती है तो इलेक्ट्रिक से चार्ज कर लेते हैं। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह चलती है। अब वो हमसे तेज चलने लगे हैं। ऐसे हमने करीब 12,000 से ज़्यादा बच्चों को, लोगों को ये मोटराइज ट्राईसाइकिल देने का काम किया है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक सब प्रकार से दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण करने की अनेक योजनाएं
हम संचालित करते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से हम इनको कौशल प्रशिक्षण भी देते हैं और कौशल प्रशिक्षण के बाद दिव्यांग वित्त विकास निगम से 4% और 5% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। और अभी तक हमने लगभग 1.25 लाख से अधिक दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण देने में सफलता हासिल की है और लगभग 2 लाख लोगों को लोन दिया है। लोन लेकर के वो पहले नौकरी के लिए भटकते थे, अब स्वयं मालिक बनकर 1-2 लोगों को और नौकरी पर रखने का काम कर रहे हैं। नौकरी के लिए भटकते थे उसकी बजाय मालिक बनाने की दिशा में हमने कुछ सक्रिय प्रयास किया है। इसी प्रकार से जो बोलते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, उनके लिए संकेत भाषा की पढ़ाई का भी प्रयास किया है और एक उसके लिए एक संस्थान की स्थापना भी की है। इसके साथ ही साथ जो ब्लाइंड है, टोटल ब्लाइंड दिखता ही नहीं है, उनके लिए भी ब्रेल लिपि की पढ़ाई और पढ़ाई के लिए डेजी प्लेयर, स्मार्टफोन और कंप्यूटर भी उपलब्ध कराते हैं। कुल मिलाकर के दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए हमने एक नहीं अनेक योजनाएं संचालित की हैं। अभी तक 8,230 सार्वजनिक कैंप लगाकर उनको उनकी आवश्यकता अनुसार 850 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि के उपकरण 14 लाख से अधिक लोगों को उपलब्ध कराए। और ये 14 लाख लोग किसी न किसी प्रकार से सशक्त हुए हैं, संपन्न हुए हैं, स्वावलंबी हुए हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की बजाय स्वयं अपने आप का विकास करने में सफल हुए हैं और माँ बाप की सेवा करने का काम भी कर रहे हैं। मैं अगर 2 घंटे भी भाषण दूँ तो जो उपलब्धियाँ हमने हासिल की उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकता, पर मैं इतना बताता हूँ कि इन 5 सालों में इस विभाग ने सक्रियता दिखाई है, जीवंतता दिखाई है। ये विभाग जीवंत हुआ है, सक्रिय हुआ है और देश और दुनिया में पहचान बनाने में भी सफलता प्राप्त की। और अभी तक हमने इन 5 सालों में 7 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 7 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। देश की आज़ादी के बाद पहली बार ये 7 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने सक्रियता से काम किया है। नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार ये चाहती है कि लोगों की सोच में परिवर्तन। हमारी प्राचीन परंपरा वसुदेव कुटुंबकम की है, सारा विश्व एक परिवार है और उस परिवार के हम सदस्य हैं। और जब हम सदस्य हैं तो एक दूसरे के प्रति हमारा कुछ दायित्व है। जियो और जीने दो की परंपरा हमारे यहाँ है, परोपकार ही परम धर्म है, ये भी हमारी मान्यता है। और इसी कारण से पहले कारोबार करने वाले लोग अपने मुनाफे में से 1%, 0.5% से लेकर के 10-15% तक पैसा अलग धर्मादे खाते के नाम पर रखते थे और धर्मादा खाते में रखने के बाद ऐसे दीन दुखियों की सेवा में लगाते थे। बीच में कुछ प्रवृत्ति पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ी और लोगों की सोच ये बनने लगी कि जिसके पास पैसा है वो ऐश करेगा, जो कमाएगा वो खाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है, जो कमा नहीं रहा उसकी वो जाने, चाहे सड़े या गले या मरे या जैसे भी जीना है जिए। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हमारा देश पाश्चात्य संस्कृति का नहीं है, हमारा देश भारतीय संस्कृति का है, भारतीय धर्म का है, भारतीय परंपरा का है। और उसी परंपरा को याद करते हुए आज हमको
हमारे पड़ोसी पास पड़ोस के भी दुखियों की सेवा करने का कर्तव्य बोध होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी और हमारे विभाग का ये प्रयास है कि लोगों की सोच बदले, किसी वर्ग को नज़रअंदाज करके देश का समुचित और संतुलित विकास नहीं हो सकता। मानव संसाधन का अभिन्न अंग है दिव्यांगजन, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए आइए दिव्यांगजनों के सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए विचार करें, संकल्प लें और इनके सशक्तिकरण की जो योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार की है या राज्य सरकार की है, उन सब योजनाओं से इनको लाभान्वित करने में सहभागी बने। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं कि भारत सरकार या राज्य सरकारों की कोई योजना केवल सरकार के भरोसे या मंत्री और अधिकारी कर्मचारी के बल पर ही सफल होगी, ऐसा मानना ठीक नहीं है। जब तक जनभागीदारिता नहीं आती है मैदान में, फील्ड में, क्षेत्र में, तब तक योजनाएं ठीक से धरातल पर सार्थक रूप नहीं ले सकती है। इसलिए जनभागीदारिता की महती आवश्यकता है। जनभागीदारिता आप गैर सरकारी संगठन के रूप में भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी कर सकते हैं, स्वयं आकर के कोई संस्था बना करके भी कर सकते हैं। अपने यहाँ जहाँ भी कहीं बुराई दिखती थी पहले, उन बुराइयों को दूर करने के लिए समाज में से ही कुछ लोग आगे आते थे, आज भी आ रहे हैं और उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमको अगर कहीं कोई कमजोरी दिखती है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम सहभागिता निभाएं, तन से, मन से और धन से। आपको आत्मिक सुख का अनुभव भी होगा, आपको लगेगा कि आप ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, आपको लगेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सम्माननीय है और आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी आपके काम को सम्मान दे करके आपको सम्मान देगी, आपका आदर करेगी, आपकी पूजा करेगी। इस प्रकार से अपने मन मस्तिष्क में विचार लेकर के जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी, निश्चित रूप से ये आयोजन सफल होगा। पंकज मारू जी मेरे अपने घर के ही हैं, मैं इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम। ये बहुत अच्छा संस्थान चलाते हैं, शायद आपको देखने को मिला होगा या दिखाई है, आज जाएंगे दिखाएंगे। इतनी अच्छी संस्था नागदा में वो संचालित कर रहे हैं। मैं प्रीवियस रिकॉर्ड थोड़ा सा बताऊं, हाईली क्वालिफाइड है, अच्छा कारोबार करते थे दुबई में जाकर के, परंतु इनकी बच्ची भी बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त है। इनको ऐसा लगा कि ये सब ऐशो आराम का काम हम करेंगे तो इससे आने वाली पीढ़ी हमको याद करेगी या नहीं करेगी, ये तो प्रश्नवाचक है। परंतु बोले मेरा अपना कर्तव्य है कि मैं ऐसे लोगों की सेवा करूं, और वहाँ से सब कारोबार छोड़ करके नागदा में आए, नागदा के ही निवासी हैं और लगभग 10 साल से ये स्नेह नामक संस्था चला रहे हैं। संस्था देख करके आपको प्रसन्नता होगी, आधुनिक उपकरण भी है और रात दिन इसी काम में लगे रहते हैं। मैं भी समय समय पर इनसे मार्गदर्शन लेता रहता हूँ, क्योंकि इनको 10 साल का अनुभव और मेरे को 5.5 साल का। मुझे ये मंत्रालय 5.5 साल से चलाने का अवसर मिला है, ये 10 साल से प्रैक्टिकल कर रहे हैं और मैं तो इधर उधर जाकर के देखता हूँ, प्रैक्टिकल तो नहीं कर पाता हूँ। इस कारण से मैं समय समय पर इनसे मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में इनकी इच्छा आकांक्षा को पूरा करने की दृष्टि से आपने ये 5वां अधिवेशन यहाँ करने का निर्णय लिया, निश्चित रूप से सफल होगा। अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा हो आपको, तो मैं यहाँ का निवासी होने के नाते आपसे क्षमा चाहता हूँ और जो कष्ट हो उसको सहन करके सानंद कार्यक्रम सफल करें। नागदा में दर्शनीय स्थल भी है, बिरला मंदिर भी है। मैं
नगर पालिका नागदा का द्वारा एक बगीचा बना हुआ है अटल उद्यान। आज शाम को अगर कहीं समय निकले, नागदा 1,00,000 से अधिक की आबादी का शहर है, पर इतना अच्छा बगीचा आसानी से आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इतना अच्छा बगीचा भी है यहाँ, बाकी मंदिर है और कुछ भी है। चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ नागदा, चंबल नदी यहाँ से दूर नहीं, मेरे घर से तो 1 किलोमीटर दूर ही है। और चंबल का नाम तो आप सबने सुना है, पर वो क्षेत्र ये नहीं। जब यहाँ से आगे जाती है तो राजस्थान को क्रॉस करके कोटा बेरी से आगे जाती है तो भिंड मुरैना की तरफ जाती है, जब जाकर के ज्यादा चर्चा में आती है चंबल घाटी वाला मामला है। परंतु यहाँ के लोग बहुत उदार, सरल और सभ्य हैं। आपको आदर सम्मान मिलेगा, इसी आशा विश्वास के साथ आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद जी, विशेष अतिथि संयुक्त सचिव भारत सरकार डॉक्टर प्रवीण सेठ जी, सीडीएम के श्री उमेश जी, परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पी एस बूढ़े जी, सेल्फ एडवोकेट अदिति, देशभर से आए सेल्फ एडवोकेट्स, मेंटर्स, अभिभावक, लायंस सदस्यगण, इसमें में मेरे साथीगण, पत्रबंधु, पत्रकार बंधु व जनमान्य नागरिक, मेस्ने परिवार की ओर से आप सभी का साफी के इस 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में अपना अमूल्य समय देने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी का इसमें के इस अधिवेशन के आगामी सत्रों को आप यादगार एवं ज्ञानवर्धक बनाने में सहयोग करेंगे एवं एक बार पुनः सभी का आभार।